नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मसाले और इंग्रेडिएंट्स लगभग सभी के सेम होते हैं, लेकिन जो बनाने का तरीका होता है वही आपके खाने को एक अलग पहचान देता है। तो दोस्तों, इसी कड़ी में पेश है अंडे की एक बहुत ही स्पेशल सब्जी, जो कि आपको बनाने और खाने के बाद बहुत ही मजा आने वाला है। तो दोस्तों, बने रहिए अंत तक इसकी रेसिपी जानने के लिए। सबसे पहले दोस्तों, हमने एक फ्राइंग पैन में एक बड़ा चम्मच तेल का जो है कुकिंग ऑयल का, वो गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल हमारा गर्म हो चुका है दोस्तों, और इसमें हम डालेंगे जीरा 1 चम्मच। जीरा तड़क गया हमारा, अब हम डालेंगे इसमें कुछ हमारे गरम मसाले साबुत। अब डालेंगे हम दोस्तों 3 से 4 हरी मिर्च जो है वो हमने काट के रखी हुई है, वो डालेंगे हम इसमें। फ्लेम हमारी स्लो रहेगी। अब हम डालेंगे दोस्तों 2 मीडियम साइज के प्याज हमने काट के रखे हुए हैं, उन्हें हम डालेंगे इसमें और स्लो मीडियम फ्लेम पर इसे धीरे धीरे पकाएंगे ब्राउन होने तक। ये प्याज अब दोस्तों हमारे ब्राउन हो चुके हैं, ये देखिए। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, डालेंगे दोस्तों इसमें 1/2 चम्मच हल्दी, और 2 चम्मच लाल मिर्च, और हल्का सा पानी डालेंगे इसमें दोस्तों, जिससे कि हमारा मसाला आसानी से फ्राई हो सके, और इसे स्लो और मीडियम फ्लेम में धीरे धीरे पकाते हैं दोस्तों मसाले को। ये देखिए, इसे हिलाते रहेंगे दोस्तों बीच बीच में, और स्लो और मीडियम फ्लेम पर इसे पकाते रहेंगे। ये देखिए दोस्तों, मसाला हमारा भून चुका है बहुत ही अच्छा, ये देखिए, और बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है इसमें से, खुशबू आ रही है। अब हम इसमें डालेंगे दोस्तों 2 मीडियम साइज के टमाटर जो हैं, उनका छिलका जो है वो मैंने छील के रखा हुआ है, ये देखिए, और इन्हें हम काट देंगे, काट के डाल देंगे इसमें। टमाटर को भी दोस्तों मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। टमाटर के साथ ही दोस्तों डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, जिससे कि टमाटर जो है हमारे वो तेजी से पक जाएं, और इसे मीडियम फ्लेम पर दोस्तों हम पकाएंगे धीरे धीरे। एक तरफ दोस्तों ये हमारा मसाला जो है ये फ्राई हो रहा है, और दूसरी तरफ दोस्तों हमने कुकर में 1/2 चम्मच जो है वो तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, ये देखिए, ये तेल गर्म हो गया दोस्तों हमारा। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 कलियां जो लहसुन की है वो काट के हम इसमें डालेंगे। और इसके साथ ही हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी। दोस्तों हमने 10 अंडे लिए हैं, और अब हम एक एक अंडे को जो फोड़ के इसमें डालते जाएंगे, ये देखिए। और इसे तेजी से हिलाते रहेंगे, हिलाना नहीं रोकेंगे, लगातार इसे हिलाते रहेंगे। एक साथ आप फोड़ के दोस्तों इन्हें रख सकते हैं, एक साथ भी आप डाल सकते हैं अंडे, किसी बाउल में आप रख लें डाल के।
लगातार दोस्तों इसे हिलाते रहेंगे तो उससे देखिए इस प्रकार से आपकी जो है अंडे की भुर्जी तैयार होती रहेगी। ये 3 से 5 मिनट का खेल होता है दोस्तों, 3 से 5 मिनट में आपकी भुर्जी जो है वो तैयार हो जाती है। हिलाना इसे लगातार है बस। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी भुर्जी जो है वो तैयार हो चुकी है। देखिए एकदम खिली खिली बढ़िया, ये देखिए। और दूसरी तरफ हमारा जो मसाला है वो भी रेडी हो चुका है। ये देखिए तेल छोड़ दिया मसाले ने, बिल्कुल बढ़िया, ये देखिए। अब दोस्तों जो हम हमारा मसाला है वो हम डालेंगे हमारी भुर्जी वाले बर्तन में। और अच्छे से इसे दोस्तों मिक्स करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों थोड़ा इसमें जो है पानी भी हम डालेंगे गर्म करके। अब दोस्तों डालेंगे इसमें थोड़ा पानी ग्रेवी के लिए। अब दोस्तों हम इसे हिलाएंगे और थोड़ी देर ढक के इसे पकाएंगे इसे। ये देखिए दोस्तों आपकी स्वादिष्ट सब्जी जो है वो तैयार हो चुकी है, ये देखिए। और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें, ये देखिए। अगर दोस्तों आपको हमारी ये डिश पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका।